नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी बबलू कुमार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर की महिलाओं, दरोगा और महिला सिपाही उपस्थित रहीं। इस अवसर पर एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि यहाँ उपस्थित पुलिस महिला कर्मियों के कंधे पर एक और जिम्मेदारी है, वह है महिलाओं की सुरक्षा। इसलिए सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए संकल्प लेते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा और निष्पक्ष तरीके से पालन करें। साथ ही एसएसपी बबलू कुमार ने सभी जनपदवासी महिलाओं को महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। आपको यह भी बताते चले कि मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार ने महिला दिवस के अवसर पर जनपद मुरादाबाद में पिछले महीने जिन महिलाओं सिपाही ने, महिला दरोगा ने अच्छे काम किए और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ किया, इसी आधार पर थाना शाखाओं से महिला पुलिस कर्मियों को चयनित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही साथ उन्हें और अच्छा काम और बेहतर काम करने के लिए, पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए सभी से अनुरोध और निर्देशित भी किया गया। जनपद पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी हमारे महिला नागरिकगणों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पुलिस लाइन में गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ पिछले महीने जिन हमारी लेडी कॉन्स्टेबल्स ने या लेडी सब इंस्पेक्टर्स ने अच्छे काम किए थे, प्रत्येक थाना और शाखाओं से एक एक महिला पुलिस कर्मियों को चयनित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है और साथ ही साथ उन्हें और अच्छा और बेहतर काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए और ये पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए सभी से अनुरोध और निर्देशित भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे और जिनसे महिला पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन पुलिस विभाग में बेहतर होगा। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सिपाही और महिला दरोगा ने जनपद मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अपनी खुशी का इजहार किया और यह संकल्प लिया कि वह अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्ष तरीके से निभाएंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।